दोस्तों घर पर गाजर उगाना बहुत ही आसान है, वो भी फ्री में। ये आप देख सकते हैं कुछ बीज हमने लगाया हुआ था एक प्लास्टिक की बोरी में, और आप देख सकते हैं लगभग 2.5 महीने से 3 महीने के अंदर में आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त इसमें गाजर हमारी बनी हुई है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हार्वेस्ट करके कि प्लास्टिक की बोरी में भी आप गाजर को लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग पा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को कम्प्लीट हम देखते हैं। दोस्तों नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस परफेक्ट गार्डनिंग अपडेट चैनल पर। दोस्तों चलिए आज मैं आपको अपडेट करूंगा और एक गाजर जो हमने ग्रो बैग में लगाया हुआ था उसकी आज आपको हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपने घर पर बिल्कुल फ्री में, घर पर जो प्लास्टिक की बोरी होती है उसमें हम गाजर लगा के बहुत ही अच्छे से हार्वेस्ट हम ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ बीज हमने गाजर के लगाए थे इस तरह की प्लास्टिक की बोरी जो है ये घर पर हमने खुद से बनाया हुआ था, और ये लगभग 90 से 100 दिन के ये रिजल्ट है दोस्तों। और चलिए मैं अभी आपको इसकी जो गाजर है वो हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा और आप भी देखेंगे काफ़ी खुशी आपको भी मिलेगी, क्योंकि इस तरह से छोटे छोटे जगह में जब हम कुछ सब्जी वेजिटेबल इस तरह से लगाते हैं और अच्छे हार्वेस्टिंग अगर हमें मिलती है तो वाकई में काफ़ी खुशी मिलती है। चलिए अभी हम देखते हैं इसमें गाजर हमारी किस तरह से बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों नॉर्मल मिट्टी, सिर्फ एक हिस्से हमने मिट्टी ली है और एक हिस्से बिल्कुल गली सड़ी गोबर की कॉम्बिनेशन हमने इस मिट्टी की जो सोयल हमने तैयार किया हुआ था, और आप देख सकते हैं कितने अच्छी गाजर इस पर बनी हुई है। ये देसी गाजर है दोस्तों और ये काफ़ी खाने में मीठी भी होगी। ये आप देख सकते हैं साइज भी बहुत ही परफेक्ट है, और ये आप देख सकते हैं अभी और भी इस पे निकलेगी। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत छोटा सा गाजर, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल माइक्रो गाजर हम कह सकते हैं, और इधर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं इसकी साइज बहुत ही परफेक्ट आई है दोस्तों। अगर गाजर के लिए साइज जो है गहराई वाली जगह जो होती है वो बहुत ही परफेक्ट होती है, लगभग 8 इंच की अगर गमले होंगे तो वो उस पर गाजर की जो साइज होती है वो काफ़ी अच्छे बैठते हैं, मतलब उस पर जो गाजर बनेगी वो बहुत अच्छे से बनेंगे। नॉर्मल मिट्टी आप ले सकते हैं, बट थोड़ी हल्की मिट्टी आप ले लें, उसमें थोड़ी सी रेत अगर आप मिला देंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी सॉइल बन जाएंगे, उसमें थोड़ी गोबर की खाद जो है अच्छे से जो गले सड़े होते हैं वो अगर आप मिला देंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारे पास मोटे मोटे गाजर बने हुए हैं। और आप ज़रा ये सोच सकते हैं कि अगर इस तरह की छोटे ग्रो बैग में इतने सारे गाजर हमें मिल सकते हैं तो अगर हम छोटे, वाह, मतलब इस छोटे से ग्रो बैग में हमारी, ये आप देख सकते हैं जबरदस्त रिजल्ट मिली है, ये तो उम्मीद से ज़्यादा निकल गई है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप देखें आपको भी काफ़ी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अपने घर पर बहुत ही अच्छे से इस तरह से गाजर को उगा सकते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक, और खाने में भी काफ़ी मीठी होगी और ये बहुत ही सेहतमंद है हमारे लिए। इसमें जो भी न्यूट्रिशन पोषक तत्व जो होंगे वो बिल्कुल प्रचुर मात्रा में होंगे। यहाँ तो और भी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं, मैंने तो सोचा नहीं था कि इतनी गाजर बनी होगी। आई होप कि आपको भी पसंद आई हो, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। गजब की है, ये तो निकलती ही जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। देखिए मिट्टी बहुत ही मायने रखती है दोस्तों, मिट्टी आपको बहुत ही प्रॉपर आपको ध्यान से बनानी होगी। इस मिट्टी को आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी बिल्कुल भुरभुरी बनी हुई है, थोड़ी सी कार्बनिक तत्व की मात्रा भी होनी चाहिए तभी जो गाजर होती है वो काफ़ी अच्छी है, और लाइट वेट मिट्टी जितनी भी होगी आपके उतने गाजर आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं इतने सारे हार्वेस्टिंग, वो भी ये ऑर्गेनिक है, हमने कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, और जो रिज़ल्ट है वो वाकई में चौंका देने वाली रिजल्ट है। आप जब भी गाजर लगाते हैं तो वाइड वाली एरिया जो होती है, चौड़ी वाली ऊपर से जो वाइड होती है और थोड़ी सी मैक्सिमम गहराई जो है 8 से 10 इंच की गहराई होगी,
तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें गाजर में मिल जाते हैं। चलिए अभी मैं और भी इस पे जो ये दूसरी जो हमारे पास बची हुई है ग्रो बैग, उसे भी मैं आपको हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम कट कर लेते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग तो मुझे बहुत अच्छी मिली है दोस्तों। और चाहें तो आप भी इस तरह से खुद से आप अपने घर पर इस तरह की प्लास्टिक की जो बोरी होती है उससे भी आप इस तरह से ग्रो बैग बना सकते हैं। और इस तरह से छोटे छोटे वेजिटेबल आप अपने घर पर बिल्कुल ऑर्गेनिक बेस पे बहुत सारे उगा सकते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये आप रूट बॉल देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो चलिए अब थंबनेल बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं और इस पे भी अच्छी बनी होगी। तो चलिए आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इस पे भी, आप ये आप देख सकते हैं गजब की बनी हुई गाजर और बहुत ही अच्छी संख्या में बनी हुई दोस्तों। मुझे तो यकीन नहीं था कि इतने सारे गाजर हमारे इस तरह के छोटे छोटे ग्रो बैग में भी बन सकती है। बस ध्यान हमें मौसम पर रखनी होती है, गाजर जो है वो विंटर सीजन में ही लगती है, ठंड के मौसम में ही ये गाजर जो मिट्टी के अंदर पे जड़ वाले जितने फसल होते हैं वो अच्छी तरह से बनते हैं। ये आप देख सकते हैं इसे दो रूप में लगाया जाता है दोस्तों। ये दो किस्में इसके होते हैं, जो कि एक अगेती किस्म की होती है और एक पछेती। जो कि अगेती आप लगा सकते हैं अगस्त से सितंबर तक, और दूसरी जो सीडलिंग करनी है, दूसरी जो पछेती जो हम करते हैं वो है अक्टूबर से नवंबर तक आप लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छी रिजल्ट मिली है। आई होप कि आप भी इम्प्रेस जरूर हुए होंगे, कि अब भी आप चाहेंगे किस तरह से गाजर को उगाने के लिए, भला कोई क्यों ना उगाए अगर इस तरह की रिजल्ट बिल्कुल ऑर्गेनिक बेस पे मिले तो। सिर्फ गोबर की खाद हमने मिलाया हुआ था इस पे, और एक हिस्से रेत और एक हिस्से हमारे जो मिट्टी होती है नॉर्मल मिट्टी, जो हमारे खेत की जो मिट्टी होती है उसी को हमने मिलाया। और आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी भुरभुरी बनी हुई है। बार बार मैंने मिट्टी का जिक्र किया है इसलिए कि मिट्टी गाजर की बहुत ही डिपेंड करता है सही रिजल्ट पाने के लिए। चलिए दोस्तों छोटे छोटे गाजर तो अभी और भी है हमारे पास, लेकिन आरोग्य दली चलेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों अब ये गाजर हमने ली है, और इस मिट्टी से फिर से हम कोई भी दूसरा फसल इस पे उगा सकते हैं। इस मिट्टी को फिर से हम इसे सुखा लेंगे लगभग 3 से 4 दिन पूरे फूल देंगे। सो दोस्तों अगर आप गाजर उगाना चाहते हैं तो देसी गाजर जो होती है उसे आप अगस्त से सितंबर तक आप इसकी सीडलिंग कर ले, मतलब इसकी बीज को जो है बुआई कर सकते हैं। और कुछ यूरोपियन कंट्री के होते हैं जो हाइब्रिड किस्म के होते हैं, उसे अक्टूबर से नवंबर तक आप इसे ग्रो कर सकते हैं। विंटर में ठंड के मौसम में गाजर जो है जो भी जड़ वाली जो फसलें होते हैं वो ठंड के समय ही काफ़ी अच्छी रिजल्ट हमें मिलती है। तो गर्मी में आप ज़्यादा कोशिश ना करें, विंटर में कोशिश करेंगे तो अच्छी रिजल्ट मिलेगी। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पे अगर दोस्तों अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर ले ताकि इस तरह के आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों।